सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग न्यूज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के फाइनल अपडेट के बारे में। तो आज आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के फाइनल अपडेट का एक और नया स्नीक पिक टीम कैप्टन ने शेयर किया है। एंड इस वाले इमेज में आप लोग देख सकते हो कि एक न्यू वेपन हमें देखने को मिल रहा है। आज हम लोग इसी वेपन के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल में क्या लिख रहा है भाई, यहाँ पर टाइटल में लिख रहा है द आइस स्क्रीम ए ट्रू एंडिंग अपडेट इज कमिंग, हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस ऑसम लुकिंग वेपन, लीव योर कमेंट्स। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हो एक वेपन है एंड इसका नाम क्या है भाई, हैंड ग्रैबर गन। ये जो पूरी हैंड ग्रैबर गन है भाई, ये एकदम कॉन्सेप्ट इसका पॉबी प्ले टाइम जैसा ही है। आपको पता होगा पॉबी प्ले टाइम में भी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पास इसी तरीके का एक हैंड होता है। तो इस पर मैं अपनी थ्योरीज आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके का वेपन हो सकता है एंड क्या इसका यूज़ हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, इस वेपन का जो फेस है वो एकदम एक मिनी रॉड के जैसा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हेड दिखेगी, इधर आपको आइज दिखेगी, उसके ऊपर नोज दिख रही है एंड एक आपको जीभ भी दिख रही होगी इसकी। तो एक प्रॉपर मिनी रॉड का फेस बना हुआ है। तो इसके फेस में से ऐसे बीच में से ये हैंड निकलेगा एंड क्योंकि ये एक हैंड ग्रैबर है तो मे बी इस हैंड को यूज करके हम लोग दूर रखी कोई आइटम को, किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकेंगे। ठीक है, ये उस पर चिपक जाएगा एंड वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। मे बी कोई रॉड की फैक्ट्री में ऐसी जगह होगी जहाँ पे हमारी रेंज नहीं होगी, जहाँ पे हम लोग खुद से तो जा नहीं पाएंगे, तो हम इसका यूज़ करके वहाँ पे शायद जा पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि हम इस हैंड ग्रैबर गन को यूज़ करके मिनी रॉड्स को और रॉड को फ्रीज कर सकें, क्योंकि भाई देखो इसका जो मिनी रॉड का फेस है ना, उसमें से ये हैंड निकल के आ रहा है। क्योंकि ये जो गन है भाई, इसका जो आगे का पार्ट है एकदम मिनी रॉड के फेस जैसा है एंड मिनी रॉड के फेस में से हमेशा आइस निकलती है जो कि हमें फ्रोज कर देती है। रॉड के अंदर से भी आइस निकलती है, रॉड के मास्क में से। तो आई थिंक ऐसा भी कुछ हो सकता है। बाकी ज़्यादातर मुझे यही लगता है कि ये या तो किसी डोर को ओपन करने के लिए हम लोग इस हैंड का यूज़ करेंगे जस्ट लाइक पॉपी प्ले टाइम, या फिर हम लोग इस हैंड का यूज़ करके किसी आइटम को जो हमसे काफ़ी दूर रेंज में रखा होगा उसको हम लोग ग्रैब करेंगे, ऐसा हो सकता है। बाकी ये भी पॉसिबल है कि इस हैंड का यूज़ करके हम लोग किसी सीक्रेट डोर को ओपन करें, मे बी। एंड आप देख सकते हो नीचे पूरा इस हैंड को यूज़ कैसे करें वो भी लिखा हुआ है, उसका भी एक आर्ट बना हुआ है। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये हैंड बाहर निकलेगा एंड अगर हम लोग उसको राइट साइड में रोटेट करेंगे तो ये हैंड वापस अंदर जाएगा। तो ये पूरा जो हैंड है भाई काफ़ी कूल लग रहा है एंड ये अब तक का आई थिंक सबसे बेस्ट वेपन मुझे देखने को मिल रहा है आइस स्क्रीम में। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रॉस्टी भी यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, एक फ्रॉस्टी का लोगो। एंड ये आपको पता ही है जोसेफ सोलोमन के ज़माने का ही लोगो है, क्योंकि आइस स्क्रीम के म्यूज़ियम वाला जो मैप था ना उसमें हम लोगों ने ये फ्रॉस्टी काफ़ी जगह देखा है। तो भाई ये जो नया वेपन है ये माइक ने या फिर जे ने ही क्रिएट किया होगा एंड काफ़ी बढ़िया वेपन है भाई। मुझे लगता है इस वेपन को ही बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे आइटम्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेट्स सी हमको क्या क्या कलेक्ट करना पड़ेगा एंड कैसे ये वेपन बनेगा या फिर ये हमें सही बना बनाया मिल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। एंड आपका इस वेपन को लेके क्या ओपिनियन है, क्या थ्योरीज हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे जानना है। तो यस, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।